हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन वे टेक्नोलॉजी। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? यू फीलिंग वेल? गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार अपने जीमेल अकाउंट के अंदर डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर सेट कर सकते हैं। चलिए फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर क्या होता है और कैसे काम करता है। गाइज, आप अभी देख सकते हो मैं अभी अपने जीमेल अकाउंट पे हूँ। गाइज, मैं जैसे यहाँ से न्यू मेल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट सेव है। तो ये जो टेक्स्ट किस प्रकार सेव होते हैं, और गाइज अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन के ऊपर आ रहा है, अब जाके वहाँ पे क्लिक करके बात कर सकते हो। गाइज, मैं यहाँ से सारा डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मेल आईडी टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बस मैं लिख रहा हूँ हाय सुस्मिता। यहाँ पे मैं ये टाइप कर रहा हूँ हैव यू डन माई वर्क। ठीक है, बस मैंने ये टाइप कर दिया एंड डॉट डॉट लगा दिया। ठीक, और मैं सेंड करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या मेरे पास सजेशन में आते हैं। तो मैं यहाँ से उस मेल आईडी पे जा रहा हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल आ चुका है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास सजेशन 3 आ रहे हैं। आप देख सकते हो यस इट इज़ डन, यस आई डिड, नो नॉट येट। तो इस प्रकार सजेशन काम करता है, आपके मैसेज का बिहेवियर डिटेक्ट कर लेता है कि क्या इसका करेक्ट रिप्लाई होगा। तो ऑटोमेटिक आपके पास सजेशन में शो करते हैं कि ये राइट आंसर है। आप अपने अकॉर्डिंग सजेशन सेलेक्ट करके इस मेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। गाइज, इस प्रकार से यूज होते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर मेथड। गाइज, फिर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर को सेटिंग करेंगे और ये किस प्रकार से काम करता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो गाइज चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है जीमेल, इसके बाद आपको सर्च करना है। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे जीमेल का वेबसाइट शो कर रहा है और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे आप जीमेल के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको यहाँ से जाना है, ऐड करना है, फिर इसके बाद आप जैसे जाओगे तो इस प्रकार से आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, फिर इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे ऑटोमेटिक आप यहाँ पे इस तरीके से मेल पे आ जाओगे। ठीक है गाइज, हम इस मेल के अंदर डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर का सेटिंग नहीं किया है, सेम हम उस मेल के अंदर भी हमने ये सेटिंग नहीं किया है, फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम मेल कर रहे हैं, क्या हमें कोई सजेशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। जो ये पिछले वाले मेल था उसके अंदर हमने डेमो के लिए दोनों में हमने सेटिंग किया था, बट हम इसमें सेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम चलते हैं और एक मेल करते हैं और फिर देखते हैं। गाइज, हम यहाँ से कंपोज पे जा रहे हैं और यहाँ से हम न्यू मेल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और हमें जिस पर मेल भेजना मुझे याद नहीं मेल आईडी, तो मैं यहाँ से सेंड में जा रहा हूँ और मैं फाइनली यहाँ से क्या करता हूँ इसको ओपन करके मैं कॉपी कर लेता हूँ मेल आईडी, फिर कंपोज में जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे मेल आईडी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट में डालना है हाई, या आप कुछ भी डेमो के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हाई डाल रहा हूँ और नीचे डाल रहा हूँ संडे इज़ द बेस्ट डे। ठीक है, मैं ये यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ सेंड कर रहा हूँ। अब सेंड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वो वाले मेल आईडी जिस पे हम मेल भेजें उस पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा वेट कर लेता हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पास मेल नहीं आया है। गाइज, आप देख सकते हो फाइनली हमारे पास मेल आ चुका है और मेल आने के बाद अब यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ। गाइज, आप यहाँ देख सकते हो कि आपको ना ही कोई सजेशन मिल रहा है और ना ही कोई ऑप्शन मिल रहा है। हमने जिस मेल को डेमो किया था उसके अंदर तीन ऑप्शन आते थे या तीन आपको सजेशन मिलते थे कि ये हो सकता है, बट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो गाइज चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। गाइज, हम यहाँ से सेटिंग में जा रहे हैं और इसके बाद हम सी ऑल सेटिंग में जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ देख सकते हो डिफॉल्ट
में से जो भी अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर डिफॉल्ट बिहेवियर सेटिंग कर सकते हो। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, सी यू।